और आज हम आपको बताने वाले होंगे कि आप अपने वीडियो को कैसे YouTube पर अपलोड करिए कि वो अच्छी क्वालिटी में रन करे। उसके लिए आपको AV1 और VP9 को जानना जरूरी है। दिस इज अ कोडेक फॉर्म। YouTube हैज टू कोडेक। इट्स ऑटोमेटिकली चूजेस बिटवीन AVC1 एंड द VP9। द VP9 कोडेक्स ऑफर अ मच हायर इमेज क्वालिटी देन AVC1। अब AVC1 जो था वो पुराना कोडेक है। आजकल यूट्यूब में नया कोडेक को इंक्लूड किया है, दैट इज AV1। बट यूट्यूब हैज इंक्लूडेड अ न्यू कोडेक कॉल्ड AV1, नॉट टू बी कंफ्यूज विद द ओल्ड AVC1। AV1 ऑफर बेटर क्वालिटी देन VP9 इवन एट अ लोअर बिट रेट। AV1 जो होता है वो VP9 से अच्छा है। It doesn't look like you can force YouTube to play your video with the AV1 codec at a moment, but you can force the YouTube to play video with AV1 when possible by going to playback performance page under your YouTube account and choosing always prefer AV1. तो अगर आप playback performance page पे चले जाते हैं setting में, तो वहाँ पे अगर आप choose कर लेते हैं always prefer AV1, तो आपका वीडियो हमेशा अच्छी क्वालिटी में रन करेगा। क्यों रन करेगा अब ये जानते हैं। हाउ टू नो विच कोडेक YouTube हैज यूज्ड टू कंप्रेस योर वीडियो। जब आपका वीडियो अपलोड होता है तो क्या होता है, वो कंप्रेस होता है। कंप्रेस क्यों होता है, YouTube इसे छोटा करता है, उसके बाद से फ्रेम को लेकर के कुछ कम फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है। टू सी वॉट कोडेक यू हैव राइट क्लिक on gear curve where you would change the video and select start for null. अब आप क्या करिएगा, codec जो आपने use किया है उस पर right click करिएगा और उस पर जो gear curve आता है, जो symbol आता है setting का, उस पर आप जा करके video resolution select करिएगा, तो वहाँ पर आएगा state for null, तो उसको आप सेलेक्ट करिएगा। अब ये कैसे करते हैं ऑलवेज प्रिफर AV1, तो यहाँ पर गए YouTube में, ये देखिए ये आता है सेटिंग के अंदर प्लेबैक परफॉर्मेंस, यहाँ पे ऑटो प्रिफर AV1 SD ऑलवेज प्रिफर AV1। अब मान लीजिए आपने AV1 किया और राइट क्लिक किया, तो अब यहाँ पर ये इसकी हेल्प दे देगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो आपका ये AV1 सेट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट सेटिंग इसलिए YouTube में रहती है कि अगर आपका वीडियो HD फॉर्म में अपलोड ना हो तो वो AV1 फॉर्म को तब भी प्रेफर करे HD फॉर्म में। HD फॉर्म में ना होकर SD फॉर्म में तब भी वो प्रेफर करे AV1 को, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। व्हेन यू फिनिश एडिटिंग अ वीडियो, व्हेन यू वॉच योर वीडियो ऑन योर कंप्यूटर, एवरीथिंग लुक ग्रेट। जब आप अपने कंप्यूटर पे वीडियो चलाते हैं तो अच्छा चलता है। देन यू अपलोड इट ऑन यूट्यूब, इमेज क्वालिटी लुक हॉरेबल, लेकिन यूट्यूब पे जाने पर वो हॉरेबल हो जाता है ड्यू टू द कंप्रेशन। क्यों होता है, क्योंकि आपका फ्रेम रेट्स जो होती है वो कम हो जाती है। YouTube applied your footage subscribe, वो कई फ्रेम्स को मिला करके एक फ्रेम बना देता है जिससे आपका वीडियो का क्वालिटी खराब जाता है। सो यूज सम टिप्स एंड ट्रिक और हाउ टू इम्प्रूव द इमेज क्वालिटी ऑफ योर YouTube वीडियो। तो उसके लिए आपको कुछ ट्रिक यूज करनी पड़ेगी जिससे आपकी वीडियो की क्वालिटी खराब ना हो। बट फर्स्ट नो वाई इज द इमेज क्वालिटी बैड ऑन YouTube। तो YouTube पे क्यों इमेज क्वालिटी बैड हो जाती है। नो मैटर वॉट कॉडेक यू यूज when you export your video from your editing program YouTube to do extra compression to reduce your file size, degrade photo quality through several frame to make it short causes degradation in quality. अब क्या करता है, फाइल की साइज को कम करने के लिए वो बहुत से फ्रेम को लेकर के कुछ शॉर्ट कर देता है जिससे कि आपकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। How to increase your image quality on YouTube? तो फिर भैया कैसे इमेज की क्वालिटी को बढ़ाया जाए। So what can you do about it? When you upload the video
to YouTube, YouTube will recommend, re-encode and recompress your footage. क्या करता है? इसको फिर से encode करता है और compress करता है. Compress मतलब छोटा करता है. This will cause the loss of quality no matter what you do. चाहे आप जितना अच्छा बना लीजिए, वो उसको compress करेगा ही करेगा और उससे आपकी quality reduce होगी ही होगी. So it doesn't matter what codec you use to export your video as long as you use the container which YouTube will accept. And as long as you don't use a setting bitrate which degrade the footage too much. लेकिन हमने क्या किया, codec quality तो select कर दिया लेकिन bitrate नहीं select किया. तो उसके लिए आपको कुछ software चाहिए होगा जिसमें आप bitrate भी set कर पाइए. तो उसको सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर ले जिससे कि अच्छे से अपलोड हो. टू सी व्हाट कोडेक यू हैव राइट क्लिक ऑन वेयर कॉम विच यू वुड चेंज द वीडियो रेजोल्यूशन एंड सेलेक्ट अ स्टार्ट स्टेट फॉरवर्ड. उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जो कोडेक यूज किया है उस पर राइट क्लिक कीजिए और सेलेक्ट कीजिए स्टेट फॉरवर्ड. मोस्ट कॉमनली Use video size for SDR, HDR video aren't they common yet in the table below. The most common video size है वो क्या है जिसमें क्या क्या सेट करते हैं. Video bit rate 24 से लेकर 30 fps तक, 35-45 mbps for SDR, 16 mbps, 8 mbps, 5 mbps. अब देखिए चार तरह का वीडियो है यहाँ पर. 2160p का पिक्सल का, 1440p का, 1080p का और 720p का. हम लोग 720p यूज़ करते हैं. उसके साथ 5 mbps चलेगा फॉर SDR और SDR के लिए चलता है 7.5 mbps. तो हमको यहाँ पर बिट रेट अगर सेट करना आ जाए तो हमारा वीडियो क्वालिटी अच्छा रहेगा. और इन सब के लिए ये 53 से 60 है, 24 mbps और 12 mbps. अब ये प्रॉब्लम ये है कि कुछ पे तो 720 तक ही दिखाता है, ये तीन ऑप्शन दिखाता ही नहीं है. तो उसके लिए सर्च करना पड़ेगा कि कैसे उसको लें कि हमारा मैक्सिमम वाला दिखाए जिससे बिटरेट हम मैक्सिमम सेट कर पाए, मिलियन ऑफ बिट पर सेकंड सेट कर पाए. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. व्हाट इज बेसिकली से इज दैट एनी 4K वीडियो विल बी रेंडर्ड With by default AV1 on YouTube. अब कहा जाता है कि 4K वीडियो जो होता है वो AV1 के साथ ही रन होता है और उससे आपकी वीडियो क्वालिटी खराब नहीं होती है. तो YouTube रिकमेंड करता है अपलोड एंड कोडिंग सेटिंग ऑन YouTube. कंटेनर MP4 हो, ऑडियो कोडेक AACNC हो, वीडियो कोडेक H.264 हो, फ्रेम रेट content should be encoded and uploaded in the same frame rate it was recorded. जिस frame rate में record किया गया उसी में upload हो. वैसे frame rate 24 से 60 तक 24 to 60 frame per second upset कर सकते हैं. अब bit rate क्या हो, ये तो frame rate हो गया. bit rate recommend करता है video bit rate for SDR, bit rate for SDR and bit rate for ऑडियो. जो यहाँ पर हमने आपको बताया बिट रेट आपका किस किस वाले कैटेगरी में कौन कौन सा आप ले सकते हैं. रेजोल्यूशन एंड एस्पेक्ट रेशियो. रेजोल्यूशन मींस होता है कि मिलियंस ऑफ बिट पर सेकंड कितनी जा रही है और एस्पेक्ट रेशियो आपको पता है 16:9 और 9:16 और 1:1 जनरली जो हम ये तीन यूज करते हैं. इसके अलावा भी बहुत से फॉर्मेट है 3:4 और सो मैनी, तो उसको आपको सेट करना पड़ेगा. कलर स्पेस आपको सेट करनी पड़ेगी. कलर स्पेस क्या, रिकमेंडेड कलर स्पेस फॉर SDR एंड HDR. अभी अभी इसको यूट्यूब पे चलते हैं तो दिखाते हैं, वहाँ बहुत डिटेल में दिया है. अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ जा कर के आप पढ़ सकते हैं. लेकिन वार्निंग है, यूट्यूब डज नॉट रिकमेंड द RGB कलर मैट्रिक्स ऑन अपलोड इन दिस केस. अब लेकिन वहाँ पर RGB कलर फॉर्मेट जो होता है वो नहीं अलाउड होता है. sRGB TRC विल कन्वर्ट टू
और अगर आप ये लेते हैं तो BT709TRC में कन्वर्ट हो जाता है। यूट्यूब री टैग द कलर प्राइमरीज मैट्रिक्स TRC टू BT.709 इफ इट इज नॉट सपोर्टेड बाई FFmpeg कलर स्पेस कन्वर्जन फिल्टर। ये थोड़ा सा एडवांस हो गया। FFmpeg जो होता है वो आप फैसिलिटी होती है जिसको इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। तो बहुत ही एडवांस यूट्यूब ने आपको बता रखा। अगर तो चलते हैं देखते हैं यूट्यूब पे क्या वो बता रहा है। रिकमेंडेड अपलोड एनकोडिंग सेटिंग, सबसे पहले हमने आपको बताया MP4 लेटर, नो एडिट लिस्ट, मूव एटम एट द फ्रंट ऑफ द फाइल, फिर ऑडियो कोडक के लिए ACC LC हमने बताया जिसमें चैनल पे स्टीरियो और स्टीरियो 5.1 होगा, सैम्पल रेट 96 किलोहर्ट्ज से 48 किलोहर्ट्ज तक हो सकती है। वीडियो कोडेक जो है H.264 लेगा, प्रोग्रेसिव स्कैन करता है, हाई प्रोफाइल है, 2 कॉन्जिक्यूटिव भी फ्रेम लेगा, क्लोज GOP ऑफ हाफ ऑफ द फ्रेम रेट, CA बैक, वेरिएबल बिट रेट, नो बिट रेट लिमिट रिक्वायर्ड थ्रू दी ऑफर, रिकमेंडेड बिट रेट बिलो और रेफरेंस। अब ये बहुत ही एडवांस लेवल पे चला गया तो जनरल व्यूअर्स नहीं समझेगा, तो आप अपना AV1 यूज़ कर लीजिए या डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लीजिए। अब फ्रेम रेट बता रहा, फ्रेम रेट मतलब कितने पिक्चर, एक पिक्चर को बनाने में कितनी फ्रेम लगती है, तो ये बता रहा 20 से 60 फ्रेम आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम फ्रेम लीजिएगा तो आपकी पिक्चर बहुत अच्छी दिखेगी। इंटरलेस कंटेंट शुड बी अ डी इंटरलेस्ड बिफोर अपलोडिंग, फॉर एग्जांपल 1080i60 कंटेंट शुड बी डी इंटरलेस्ड टू 1080p30, 60 इंटरलेस फील पर सेकंड शुड बी डी इंटरलेस्ड टू 30 प्रोग्रेसिव फ्रेम पर सेकंड। तो जितने ज़्यादा फ्रेम होंगे पिक्चर उतनी अच्छी लगेगी आपको। बिट रेट उसने बताया, अब ये देखिए दो तरह की बिट रेट वो बता रहेगा, जो SDR के लिए बता रहा है, SDR में उसने बताया कि 35 से 45 मिलियन पर सेकेंड आप ले सकते हैं। टू व्यू न्यू 4K अपलोड ब्राउज डिवाइस दैट सपोर्ट VP9। अब अगर SDR फॉर्मेट में आपने लिया तो कौन सा सपोर्ट करेगा, VP9 सपोर्ट करेगा, तो ये 35-45 MBPS ले लेगा। ये सारा ये देखिए बता रहा कि किस साइज में कौन सा कितने मिलियन बिट पर सेकेंड वो लेता है। तो फ्रेम रेट अगर आप ये रखते हैं तो इतने मिलियन बिट पर सेकेंड आएगा, और फ्रेम रेट अगर इतना रखते हैं तो इतने मिलियन बिट पर सेकेंड रेजोल्यूशन आपका बिट रेट होना चाहिए। इसी तरह HDR के लिए वो बता रहा था, तो आप ये YouTube पे जाकर इसको स्टडी कर सकते हैं। और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कैसे इसको सेट करते हैं तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। ये देखिए यहाँ पे HDR का दे रहा है कि कितने 4K के लिए 44-56 MBPS होना चाहिए, लेकिन अगर बिट रेट हाई फ्रेम रेट ले रहे हैं आप तो इतने बिट होना चाहिए, इस तरह से लेता है। लेकिन ये बता रहा कि ये छोटे पिक्सल वाले जो ये वाले टाइप हैं वीडियो के, ये HDR में सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर आप डिफॉल्ट रखिएगा तो वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम करेगा। इसी तरह से ऑडियो के लिए भी वो बता रहा है कि ऑडियो के लिए आपका 128 KBPS होना चाहिए, 384 KBPS होना चाहिए, और 5.1 के लिए 512 KB/KB पर सेकेंड होना चाहिए, अब किलो बिट पर सेकेंड होना चाहिए। अब रेजोल्यूशन मतलब, अभी हमने बताया रेजोल्यूशन मतलब कितने पिक्सल दिख रही है आपकी, जितनी ज़्यादा पिक्सल होगी रेजोल्यूशन उतना ज़्यादा होगा, पर सेकेंड पर बिट कितनी दिख रही है एक स्पेसिफाइड स्पेस पे। द स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो फॉर यूट्यूब कंप्यूटर इज 16:9। व्हेन अपलोडिंग अदर एस्पेक्ट रेशियो सच एज वर्टिकल और स्क्वायर, द प्लेयर ऑटोमेटिकली अडैप्ट इटसेल्फ टू द साइज ऑफ द वीडियो। दिस सेटिंग गिव्स द बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन द
एस्पेक्ट रेशियो एंड डिवाइस, ये तीन आपके जो हैं रेशियो 16:9, 9:16 और 1:1 जो होता है वो बेस्ट एस्पेक्ट रेशियो है जिस पर आप वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। अब ये एस्पेक्ट रेशियो पे हमने वीडियो बना रखा है, अगर आपको देखना है तो हम लगा देंगे लिंक में, आप जाकर के देख लीजिएगा कि कैसे एस्पेक्ट रेशियो को सेट करते हैं। कलर स्पेस, लर्न हाउ टू यूज अ सेप्टियल ऑडियो 360 वीडियो वर्चुअल रियलिटी वीडियो सो योर व्यूअर कैन एक्सपीरियंस योर वीडियो साउंड इन ऑल डायरेक्शन जस्ट लाइक रियल लाइफ। अब ये बहुत ही एडवांस है, कलर स्पेसिंग अगर आप सेट करते हैं तो ये बहुत ही एडवांस इसमें दे रखा है जिसको आपको सीखना पड़ेगा तभी आप कर पाइएगा, और इसका डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसमें दे रखा है कि BT709 कलर स्पेस और कलर ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक दे रखा है, TRC कलर ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक और कलर परिमेरी प्राइमरीज ये दे रखा है BT.709 और कलर मैट्रिक्स को एफिशिएंट दे रखा है ये। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही एडवांस हो गई है, इसको अगर आपको सीखना हो तो कमेंट में लिखिएगा तब जाकर आप सीख पाइएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। अब यहाँ पर रिकमेंडेड कलर स्पेस HD के लिए आपको कैसे करेंगे ये भी इसमें भी दे रखा है। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इफ इट इज हेल्पफुल टू यू टू हाउ टू डू ऑल दिस थिंग्स। Please follow my channel Ratan Agarwal IT Informer, follow my all social media link, join my telegram channel, go to the community and comment there.